आज हमें भारत की राजधानी दिल्ली में, तो आज हम ऐसी जगह आए हैं जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मीनार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी है तो आपको इस जगह के बारे में पता ही होगा, क्योंकि दिल्ली के स्कूल पिकनिक के लिए यहाँ तो ज़रूर आते ही आते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। हम लोग यहाँ पे आए हैं कुतुब मीनार। यहाँ पे आने के बाद हमने इधर की साइड जो जगह है यहाँ से हमने लिया टिकट। यहाँ पे 40 रुपये का टिकट मिला है, और अगर ऑनलाइन या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 35 का मिलेगा। फॉरनर्स के लिए अलग प्राइस है, वो काफ़ी हाई है, शायद 600 के आसपास। और हमारे पीछे है यहाँ पे कुतुब मीनार। अभी हम सामने की साइड जाएंगे इसके अंदर। एंट्री जब कर चुके होंगे तो आप यहाँ पर आओगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये रहा सामने, यहाँ से हम एंट्री करेंगे इसमें। गाइज, ये रहा कुतुब मीनार, हम अंदर आ चुके हैं। इसमें आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो ये पिलर बने हुए हैं ना, इसे देख रहे थे। यहाँ पे एक यहाँ पे चिड़िया भी बैठी हुई थी, देखो वो रही चिड़िया का, तो एक तोता भी है जो हमें ही देख रहा है यहाँ पे। ये तोता हमें हेलो बोल रहा है, आप देख सकते हो। हेलो, एक बोरा कोने में घोसला बना के बैठा हुआ है, उसका पूरा घर है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हमें फिर से हेलो बोलने हैं, फुल ठाक से बैठा हुआ। तो गाइज, ये रहा हमारे पीछे यहाँ पे, ये रहा कुतुब मीनार, और इसके साइड में ये भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे देखने पे, अभी हम नीचे जा रहे हैं, उधर की साइड जाएंगे कैसा है अंदर की साइड से, तो चलते हैं। ये रहे, ये भाई साहब उतर रहे हैं नीचे।
यहाँ पर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन मेरी मानना तो दोपहर में मत आना क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही है इस टाइम पे। और ये रहा कुतुब मीनार, हमारे साइड थोड़ी घर की साइड थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी, अगर आपको पसंद है ग्रीनरी तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और आपको शांति चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पे भीड़ वगैरह तो है पर यहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा है ना कि भीड़ का पता नहीं लग रहा, लोग हैं काफ़ी लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा। और आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो काफ़ी फैमिली के साथ आके, अपना पूरा डे यहाँ पे बिता सकते हो, काफ़ी जगह यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। और यहाँ की ये जितनी भी दिल्ली के अंदर मोन्यूमेंट्स हैं मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। और मैं आपको कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, कुछ मत करो, किसी के कहने से कोई कुछ भी नहीं करता मुझे पता है, लेकिन इतना कहूँगा अगर वीडियो बेकार लगे तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो कि वीडियो की कहाँ से बेकार लग रही है, कहाँ से मेरे को कट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, कोई भी चीज़ बेकार लगती है तो बताओ, मैं इम्प्रूव करूँगा जिससे आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस जो हैं अच्छी होंगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अच्छी लगे तो बता देना, नहीं अच्छी लगती तो भी यार बता देना, मैं इम्प्रूव करूँगा। और बाकी दिखाते हैं इस जगह को एक कैसी है, आओ चलते हैं। तो इस मीनार का नाम है कुतुब मीनार, और इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनवाया गया था, और इसकी हाइट 72.5 मीटर और इसकी चौड़ाई 14.32 मीटर है, और यह इमारत 2000 साल से भी पुरानी इमारत है। इस मीनार को पास से देखने में जो आंखों को संतुष्टि मिलती है वो शायद मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बयान ना कर पाऊँ। इस मीनार को जाम की मीनार से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, और इस मीनार के अंदर 379 सीढ़ियां हैं जिनको गोलाई में बनाया गया था। और शायद आपको पता नहीं होगा, आज से काफ़ी टाइम पहले तक आप इसके अंदर भी जा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों की डेथ के बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि शायद ही आपने कुतुब मीनार को अंदर से देखा होगा, और अगर आप भी इसको अंदर से देखना चाहते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है। शायद आप मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी देवानंद को तो जानते ही होंगे, तो उनका एक सॉन्ग है जिसको इसके ऊपर जाकर और अंदर शूट करा गया है, और अगर आप इस सॉन्ग को देखना चाहते हैं तो उस सॉन्ग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो। तो यार जब तुम यहां पे आओगे ना तो तुम देखोगे कुतुब मीनार के आसपास ना इस तरीके के स्टोन्स वाली जगह काफ़ी जगह पे, वो देखो सामने कितने सारे लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, पीछे ग्रीनरी है, और ये हमारा एक नमूना है पीछे, वो गला हुआ पानी की बोतल लेके पता नहीं क्या कर रहा है। इधर की साइड सब देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, आप आओगे तो फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ यहाँ पर आएंगी अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, धूप तो काफ़ी है लेकिन क्या यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे हवा वगैरह काफ़ी चल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि गर्मी तो है ही देखो, लेकिन अच्छा लग रहा है अगर आप यहाँ पर आओगे तो, वीडियो बनाओगे तो काफ़ी अच्छी वीडियोस बन सकती हैं, फ़ोटोज़ क्लिक हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर लोग फ़ोटोज़ ही क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे वीडियोस ही बना रहे हैं अगर आप देखोगे तो। और नमूने हेलो, ये मेरा एक लोता फैन है आया यहाँ पे मीटअप है इससे मेरा इससे। हेलो बोल, तेज बोल, तेज हेलो, तेज बोल, थप्पड़ मारूंगा तेज बोल, मैं फोटो नहीं खींचूंगा। हेलो भाई,
इसी कुतुब मीनार के जस्ट सामने की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक आयरन पिलर भी मिलेगा, जो आयरन पिलर 2000 साल से भी पुराना आयरन पिलर है और इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा। इसकी यही खासियत है, इसकी इसी खासियत की वजह से ये आयरन पिलर इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी फेमस है। इसी आयरन पिलर को लोग दूर दूर से देखने आते हैं और इसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। हमारा फोटोग्राफर ब्लॉगिंग कर रहे भाई। यस ब्रो। हेलो भाई। भाई देखो चैनल सब्सक्राइब करा रहा हूँ अपना। क्या नाम है भाई आपका? और क्या करते हो आप? पेंटिंग। और भाई तुम क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट तो आईटी रिपेयर कर रहा। तो यार ये हमारी वीडियो देख रहे, चलो भाई आप देखना, हम चलते हैं आगे। ओके भाई मिलते हैं, बाय। आपसे जो रात में खो जाएगा ना यार, अबे मैं यहाँ पे रात में भी रुक जाऊँ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मुझे डर लगेगा कि जगह पे चमगादड़ों से वो ना खा जाए। इधर आ, फोटो खींच लो। अबे जहाँ पे भीड़ होती है तुझे वहीं जाना होता है। हाँ भीड़ कहाँ है यार। तो भाई हमारे पीछे ना दो लोग फिजिक्स की बातें कर रहे थे, फ्रिक्शन लगा। बड़ी मुश्किल से तो फ्रिक्शन वगैरह से निकल के यहाँ पे भी फ्रिक्शन सुनाई दे रही है। अबे यहाँ पे क्या है पीछे की साइड? भूल भैया। तो अभी हम इसके अंदर गए थे, हमने वीडियोस वगैरह बनाई हैं इसकी। अब हम उधर की साइड एक बारी चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसके अंदर से जाने के बाद हम यहीं से निकलेंगे सामने की साइड। तो गाइस पीछे की साइड कुतुब मीनार है, उसके इधर वाली साइड हम जा रहे हैं एक बारी, ये भी देखते हैं दूर से ही। ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अब हम जाने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? तो यार ये जो भी है मुझे नहीं पता है क्या है, पर ऐसा लग रहा है कोई पिलर यहाँ पे बना हुआ होगा तो ये धीरे धीरे करके टूट गया है। और ये कुतुब मीनार की उधर वाली साइड से है। और गाइज ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ पे कब्र है। और पर यार आप यहाँ पे आओगे ना, सीरियसली बताऊँ, आप अगर लोग यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अकेले मत आना, शायद आप बोर हो सकते हो। एक दो जने अगर ग्रुप में आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे आ सकते हो, ग्रीनरी काफ़ी है और यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं। और अगर आपके पास कैमरा है तो आपके मज़े ही मज़े, आप यहाँ पे बहुत सही सही फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। और यार यहाँ पे आके सही बताऊँ बहुत अच्छा लगा, आप आ सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार है ना यहाँ पे कुछ कुछ 5-10 मिनट बाद, जैसे इस कुतुब मीनार के पीछे से देखो, इस कुतुब मीनार के पीछे से क्या फ़्लाइट उड़ती हुई जा रही होती है। मतलब यहाँ आसपास ना इंदिरा गांधी एक एयरपोर्ट है, उसकी वजह से यहाँ से बार बार एरोप्लेन निकलते हैं। तो आप यहाँ पे रील्स वगैरह या फिर और कुछ भी बनाओगे या फ़ोटो क्लिक कराओगे तो एरोप्लेन भी आपके बैकग्राउंड में आप ले सकते हो थोड़ा वेट करने के बाद। तो आपकी यहाँ पे
फुल जिसे कहते हैं एंजॉयमेंट हो जाएगी, फोटो क्लिक्स हो जाएंगी, आप यहाँ पे आके DSLR वगैरह ला सकते हो, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से एंट्री हो जाएगी। बस आप यहाँ पे बैग वगैरह नहीं ला सकते, उसका थोड़ा ध्यान रखना, इसका 40 रुपीज़ का टिकट है। और मैं वीडियो को बस यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अब हम लोग पानी लेके आए थे जो हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम बाहर जाएंगे। तो अब देखो जो मैंने कहा था ना पीछे एरोप्लेन जाते हैं, ये देखो 5 मिनट बाद देखो फिर से जा रहा है यहाँ पे एरोप्लेन। तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ एक और बारी, ये रहा। तो मैं अब यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को, वीडियो को एंड कर रहे हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भले ही मत करना, अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छी लगे तो भी मत करना कमेंट, बस बुरी लगे तो कमेंट करना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी जो नेक्स्ट व्लॉग है उन्हें इंप्रूव कर पाऊँ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।